हाय गाइस, स्किन केयर और हेयर केयर डीआईवाईज के लिए और हेयर स्टाइल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ केयर सीक्रेट्स को। बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए जिससे कि हर एक नए वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है ये दो हेयर स्टाइल। पहला है फ्रेंच ब्रेड और दूसरा है डच ब्रेड, जो कि देखने में तो काफ़ी एक दूसरे से अलग है, बट उन्हें बनाने के लिए कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं अपने बाल पीछे की तरफ कर लूंगी और ऊपर से थोड़ा सा एक सेक्शन ले लूंगी, जिस सेक्शन को मैं डिवाइड कर दूंगी थ्री सेक्शंस में, सेक्शन ए, बी और सी। ए मैंने लेफ्ट वाले को बोला है, बी मिडिल सेक्शन को और सी राइट सेक्शन को। अगर मैं सीधे इसके फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें सबसे पहले जो बी है वो अंदर की तरफ रहेगा, तो पहले ए बी को ओवरलैप करेगा एंड देन सी ए को ओवरलैप करेगा, जैसे कि एक नॉर्मल थ्री सेक्शंस वाली ब्रेड में आप करते हैं। एक फोल्ड होने के बाद मैं अपने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से एक छोटा सा पोर्शन अपने ऊपर वाली ब्रेड में ऐड कर दूंगी और उसे फिर राइट की तरफ ले जाऊंगी। सिमिलर वे मैं एक्सट्रीम राइट साइड वाले सेक्शन में भी एक छोटा सा पोर्शन नीचे वाले बालों से ऐड कर लूंगी और उसे लेफ्ट में ले जाऊंगी। यही फॉर्मेट मैं नीचे तक फॉलो करती जाऊंगी, तीन स्ट्रैंड्स वाला ही, और धीरे धीरे छोटा छोटा सेक्शन इसमें ऐड होता जा रहा है। जिससे कि ये वाला फॉर्मेट बन जाए जो कि आप वीडियो में इस वक्त देख सकते हैं। उसके बाद मैं नॉर्मल गुथ कर लूंगी और एक रबर बैंड से इसे सिक्योर कर लूंगी। तो ये बनके रेडी हो गई है मेरी फ्रेंच ब्रेड। आई होप आपको मेथड समझ आया है। उसी के साथ बढ़ते हैं टच ब्रेड में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, इन दोनों हेयर स्टाइल में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। तो डच ब्रेड में भी ऊपर से हमें छोटा सा सेक्शन लेना है और उन्हें फर्दर तीन छोटे सेक्शन में डिवाइड करना है, जिनको मैं नाम दे रही हूँ सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बताती हूँ। तो इसमें बी आएगा सी के ऊपर और फिर सी आएगा ए के ऊपर। तो सबसे पहले राइट से सी आएगा बी के नीचे और लेफ्ट से फिर ए आएगा सी के नीचे। और मेन इसमें डिफरेंस ये भी है कि जब भी हम सेक्शन, जो हमें नीचे से सेक्शन ऐड करते रहते हैं फ्रेंच में, वो हमेशा अगर हम राइट से सेक्शन ले रहे हैं तो राइट वाले छोटे वाले सेक्शन में वो ऐड करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि मिडिल सेक्शन में ऐड होगा हमेशा। अब यही बताया हुआ फॉर्मूला मैं नीचे तक फॉलो करूंगी जिससे कि एक प्रॉपर फॉर्मेट बन जाए। मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक दे दीजिए, और अगर ज्यादा पसंद आ रही है तो नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।